हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। जय श्री श्याम, जय माता दी आप सबको। और बताओ गाइस कैसे हो। आपको पता है इससे पहले तक रूम में पोछा लगाते तक मैंने एक वीडियो पहले डाल दिया अपने दूसरे चैनल पे, प्रियांश के सपने हैं, जो प्रियांश का चैनल है उसके ऊपर। क्योंकि उसकी जितनी भी इनकम हुआ करेगी वो हम सेव करेंगे प्रियांश के फ्यूचर के लिए, वो सारी इनकम हम सेव करेंगे, उसको हम खर्च नहीं करेंगे। जो मेरे चैनल की इनकम आएगी इंडियन यूट्यूबर कंचन धवन की, तो उसको हम यूज़ किया करेंगे अपने जो भी खर्चे हैं, घर खर्चे जो भी है, मतलब है ना, पैसे यूज़ कर लिया करेंगे। अदरवाइज़ जो दूसरे चैनल की है उसका सिर्फ और सिर्फ प्रियांश के लिए मुझे सेविंग करनी है। क्योंकि देखो बच्चा आगे बड़ा हो रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई और भी ज़्यादा टफ़ होने वाली है। अभी खर्चे इतने हो रहे हैं, 10th + 2 में आगे तो उसकी और भी टफ़ हो जाएगी। फिर उसके बाद उसकी कॉलेज लाइफ में, तो आने वाला जो फ्यूचर है उसका सेफ हो सके, इस वजह से मैं सोचा है कि भी आके प्रियांश का फ्यूचर देखना है, बस अब प्रियांश के ऊपर पूरा पूरा फोकस करना है, ध्यान देना है। तो जी आज मौसम थोड़ा ठंडा था तो इसलिए फिर मैंने अपने ये सूट निकाले थे। मुझे ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद है, इनको मैंने इतनी बार पहन भी लिया और ये ख़राब भी नहीं हो रहे हैं और ये मेरे फेवरेट है। प्रियांश मेरे पैर मत मार बेटा, दवाई लगाई है, लते मारी जा रहा है मेरे। अभी इसको स्कूल से लेके आई हूँ मैं। तो देखिए दोनों दो तीन सूट थे जो मैंने निकाले, ये ना सिर्फ कुर्ता है, इसका पहले प्लाजो वगैरह भी ढूंढने वाला है। ऐसे तो मुझे पता है कि कहाँ रखा है, बस निकालना ही मुश्किल है, इसलिए अभी तक इसको ऐसे तय लगा के रख रही हूँ। क्योंकि ये मेरे बहुत ज़्यादा लूज़ भी है तो आगे मेरे काम आएंगे ये कपड़े, भी मौसम चेंज हो रहा है तो ये तो मेरे नए कपड़े हैं, तो इसलिए मैं ये रख रही हूँ। रेड वाला जैसे कुर्ता हो गया है ना, ये जब हम खाटू जाएंगे या फिर हम कहीं और घूमने जाएंगे तो फिर रास्ते में मुझे सूट्स चाहिए होंगे। तो इस तरीके के आप सब बोलते हो, रेड सूट पहना कर, डार्क सूट पहना कर, डार्क कलर के, तो इसलिए मैंने लेके रखे। और ब्लैक सूट आप लोग मुझे मना करते हो, मेरे पास ऑल ब्लैक ही कपड़े हैं। पता है आपको कि मेरे पास ब्लैक ही कपड़े हैं। मैं चीज मारूंगी पैरों पे, मेरे लाते मर जा रहे, फोन चलाई जा रहे और ध्यान ही नहीं, मेरे लाते मर रहे। मैंने दवाई लगा रखी है और लाते मर जा रहे मेरे, ये पता नहीं ऐसे क्यों करता है। पता है मैं रिकॉर्डिंग करे जा रही फिर भी नहीं हट रहा। तो बच्चे ऐसे करते हैं। तो देखिए आज मैंने बेडशीट इलास्टिक वाली बिछाई थी, तो सब लोग पूछ रहे थे इस बेडशीट के बारे में। तो गाइज ये बेडशीट मैंने ऑनलाइन नहीं ली थी, मैंने ऑफलाइन ली थी जब मैं खुद बिजनेस करती थी बेडशीट्स का। और ये सिर्फ़ और सिर्फ 600 की बेडशीट थी, 600-700 की, मतलब इतने की थी, 600 की या 700 की, बस इतने की बेडशीट थी। और अभी तक ये ख़राब नहीं हुई, टस से मस नहीं हुई, इसका इलास्टिक फिटेड बेडशीट है ये, तो बहुत अच्छी है। और किंग साइज़ बेड पे आराम से आ जाएगी, मेरे तो क्वीन साइज़ है फिर भी थोड़ी सी लूज़ है ये, अगर किंग साइज़ होता तो फिर तो फिट फिट आती। तो अभी मैंने नहाने के लिए अपने कपड़े निकाल लिए थे, नहा के देखिए जी मैं आ गई हूँ। आके मैं करने लगी हूँ जोत पत्ती बाबा जी की, उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी और नाश्ता करूँगी। प्रियांश को मैं नाश्ता बना के खिला के भेज देती हूँ, रोटी मेरी बाद में बनाती हूँ। तो ये देखिए बस अभी जोत पत्ती करके सफाई कर ली है, सफाई करने के बाद मैं जोत पत्ती कर लेती हूँ। तो मेरी पूजा पाठ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी बाहर कोई आया था, मतलब मैं क्या बोल रही थी उसको, कोई था बाहर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन आया था और मैंने उसको कुछ बोला था। हाँ मुझे अभी याद आ गया, जो पौधे वाला था ना, गमले वाला, वो आया था भैया, कहता पौधे लगवा लो या खुराक डलवा लो। तो मैंने कहा भैया तुम गलत घर में आ गए हो, मैंने तो कभी पौधे लगवाए नहीं और ना ही मैंने कोई खाद वगैरह डलवानी, कुछ भी नहीं। मैं कहा मैंने तेरे से कब पौधे लगवाए हैं। तो पहले तो मैंने इसको बोला था कि रुक जाओ मैं पूजा कर रही हूँ आती हूँ, तो मैंने पूजा कंप्लीट करी फिर मैं गई बाहर। क्योंकि पूजा बीच में छोड़ के, फिर हर बार ऐसे होता जब भी पूजा करने बैठती हूँ बीच में मुझे छोड़ के भागना पड़ता है, तो इसलिए मैंने उसको बोला। पहले मैंने मना किया कि मुझे नहीं लगवाने, फिर तंग करने लग गया, तो फिर मैं कैमरा बंद करके गई। बाद में फिर आके मैंने जोत जगाई है, तो देखिए अब आके मैं फिर से जोत जगाने लगी। उस भैया को मैंने बोल दिया कि मैंने तो प्लांट तेरे से कभी लगवाए नहीं, शायद वो भैया गलत घर में मैंने कहा आ गया है ना। तो देखिए कल ना लाइव चल रही थी, तो कुछ लोग बोलते हैं कि कंचन ने तो झूठ बोला लाइव में, पूरी में वही है कंचन, उसका पति तो है ही नहीं। तो जी बस मैं कह दिया ना, मेरे तो तुम लोगों के सामने हाथ जुड़े हैं, हाथ पैर सब कुछ जुड़े हैं, ठीक है भाई। मैं नहीं तुम लोगों को सफाइयाँ दे सकती हूँ, ना ही कुछ भी ऐसा एक्सप्लेनेशन दे सकती। इतने लोग क्या पागल है जो लोग ये बोले जा रहे हैं कि हाँ जी हमने देख लिया, अच्छे हैं आपके हस्बैंड, सुंदर है, स्मार्ट है, मतलब ऐसे बोली जा रहे हैं, वो जोड़ी अच्छी लग रही है जी तुम्हारी, ऐसे ऐसे। तो मतलब अगर वो लोग बोले जा रहे हैं तो वो लोग पागल थोड़ी ना है ना, उन लोगों ने देखा है तभी बोल रहे हैं ना। और लाइव में मैं उनको लेके आई थी, और दूसरी बात ये कि जो लाइव आप देख रहे हो ना, वो लाइव
मेरी पहले की है जिसमें मैं अकेली बोले जा रही हूँ, वो मेरी पहले की लाइव है, और मतलब वो कल की लाइव नहीं है, वो डेट चेक कर लिया करो। और जो कल की लाइव थी वो मैंने प्राइवेट कर दी है, मैं नहीं चाहती कि लोग इस तरीके से मतलब बातें बनाएं इनके बारे में कुछ भी, तो मैं नहीं चाहती। कुछ लोग बोल रहे थे इसका पति बूढ़ा होगा इसलिए दिखाती नहीं है, वो बहुत एज का होगा, ऐसे है वैसे है, तो वो भी आपका वह मैंने निकाल दिया था कल लाइव में कि मेरे हस्बैंड की उम्र कितनी है, वो खुद आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा देख के कि कोई मेरा पति बूढ़ा नहीं है। अगर बूढ़ा होता तो भी क्या होता, दिल का तो अच्छा होना चाहिए, बूढ़े से भी क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, बूढ़ा हो 40 का हो 45 का हो, ऐसे ऐसे बातें बोलते थे। तो इसलिए फिर मैं एक बार उनको ले ही आई कि लो आप खुद ही देख लो और आपको तसल्ली हो जाएगी, पर तसल्ली इनको कभी भी नहीं होनी। सो गाइज अभी हम आ गए हैं घर, घर पे आके अब मैं बनाने लगी हूँ प्रियांश के लिए चाय। प्रियांश को स्कूल से लेके आई हूँ, हम मैं उसके लिए बनाऊँगी चाय। आप कहीं जाता मम्मा, बस चाय मम्मा चाय, बाथरूम में से निकला अभी चड्डी में चल बेटा कपड़े पा ले, अभी बना रही तेरे लिए चाय। अमली है मेरे बच्चा चाय। और लोग बोलते हैं कि तू बस कर फौजी साहब सब क्यों लिखती रहती है, फौजी फौजी क्यों करती रहती है, बुला बुला बुला, तो भैया मुझे इस वर्ड से व्यूज़ आते हैं अच्छे, मेरा चैनल अच्छा चलता है, या मेरे इंस्टाग्राम पे तो बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं क्योंकि फौजियों की वीडियोस पे बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं इसीलिए कर रही हूँ, इसीलिए लिख रही हूँ फौजी फौजी, जिसको नहीं पसंद आ रहा हो आप मत देखो कोई बात नहीं, पर सच में फौजियों वाली जो पोस्ट होती है ना उन पे व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, आपको नहीं यकीन, आप भी ट्राई करके देख लो, जितने भी फौजियों से रिलेटेड वीडियो बनाओगे वो आपकी ट्रेंडिंग में ही होएगा टॉपिक, वो चलेंगे वीडियोस। तो मेरी भी वो वीडियोस चलती हैं इंस्टाग्राम पे जो मैं इनसे इन अपने पति से रिलेटेड बनाती हूँ, फौजी साहब लिखती हूँ, फौजी फौजन लिखती हूँ, इस तरीके से कोई शेर शायरी वीडियो पे पोस्ट पे लिखती हूँ या फौजियों वाले गाने पे वीडियो बनाती हूँ, तो वो मेरी चलती हैं, अच्छा चलता है मेरा अकाउंट। कहाँ मेरे 1000-2000 मसा व्यूज़ आ रहे थे उस पर, और कहाँ मेरे 6-6 हज़ार व्यूज़ आ रहे, 7-7 हज़ार आ रहे, 10-10 हज़ार आ रहे, एक वीडियो तो मेरे 10-11 हज़ार पे पहुँच गई थी, वो मैंने डिलीट कर दी, पता नहीं मेरे मन में क्या आया, बस ऐम ही गुस्से में आके मैंने डिलीट कर दी। तो मुझे अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं उन वीडियोज़ पर, तो मैं बना रही हूँ, और जब तक मुझे उन इस टॉपिक पे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे तो भैया ये टॉपिक ही है फिर मेरे लिए, तो फिर ये कंटेंट टॉपिक ही है कि मैं जानबूझ के वीडियो बना रही हूँ फौजी फौजी लिख के। और मैं अपने पति को बहुत याद करती हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो मैं बहुत याद करती हूँ उनको, तो बस इसलिए उनको याद करते मैं वीडियोज़ डाल देती हूँ, बस बात ख़त्म। चिन्नू खाना खा लिया था बेटा स्कूल में? अच्छा तेरे दोस्त क्या पूछ रहे थे उस दिन तेरे से, मुझे बताना। तेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तू यूट्यूबर का बेटा है इसलिए। इसके दोस्त बने रहो, क्यों फेमस हो फेमस होने के लिए हैं? अच्छा तू फेमस है, तुझे ऐसे बोलते कि तू यूट्यूबर का बेटा है, बता तो सही 2 मिनट अच्छे से कि क्या बोल रहे थे उस दिन तू मुझे बता रहा था। अच्छा प्रिंसिपल मैम भी कुछ नहीं कहते हैं ना, प्यार करते हैं वो, रिस्पेक्ट करते हैं वो तेरी बहुत ज़्यादा। अब उनको पता है ना कि तू एक आर्मी वाले का बेटा है फौजी का, तो इसलिए तेरी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। ट्यूशन पे भी तू जाता है, ट्यूशन पे भी ऐसे मिलती है रिस्पेक्ट, बता ट्यूशन पे कहाँ बिठाते हैं तुझे? सबसे ऊपर, सब बच्चे बेचारे नीचे बैठते, ये जनाब कुर्सी लेके बैठता है वहाँ पे। वो मैगी तो नहीं दूंगी बेटा मैं, ना ना मैगी नहीं दूंगी, ना ना मैगी, आटा गूंदा पड़ा है रोटी लास्ट है, इसके बाद कोई ना ना मैगी नहीं दूंगी, रोटी नहीं खाता तू, मैं नहीं मैगी तुझे नहीं खा लूंगा ना। सो मैंने अभी कपड़े चेंज कर लिए, मुझे दवाई लगानी थी तो मैंने खुले डुले कपड़े पहन लिए, उसमें ना मतलब ऐसे वो छिल रहे थे जख्म, इतना तो है नहीं, एक ही जख्म है इतना सा बस, थाई पे है, मतलब कि पट नहीं होता पट पे, तो वो काला वो लोग जो पहना था ना प्लाजो वो लग रहा था, तो मैंने फिर उतार के कॉटन के कपड़े पहन लिए। तो इसको इतनी सच्ची रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, सब प्यार करते हैं, क्योंकि इनके स्कूल के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कूल है जिसमें इसको पढ़ा रहे हैं, इनकी ट्यूशन टीचर भी बहुत अच्छे हैं, ट्यूशन टीचर इसको इतना प्यार करते हैं, उनको पता है कि इसको गर्मी ज़्यादा लगती है और ये बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है इसकी, तो वो लोग इसको नीचे नहीं बिठाते क्योंकि इससे बैठा नहीं जाता नीचे ज़मीन पे, तो इसके लिए वो चेयर लगा देते हैं छोटी सी, बैठने के लिए स्टूल टाइप चेयर होती है जो वो लगा देते हैं अपने पास, मैडम इसको बिठाते हैं इसके ट्यूशन टीचर, तो
तो बहुत खुशी होती है कि चलो मैंने स्कूल भी बच्चे का अच्छा सिलेक्ट किया है और मतलब स्कूल टीचर भी और ट्यूशन टीचर भी मतलब अच्छे हैं इसके, तो कोई गलत डिसीजन नहीं है मेरा ये, ठीक है। और रात लाइव में आके मेरे बच्चे ने प्राउडली बोला मेरी माँ है, मैं नहीं अपनी माँ को गलत कहता। लोग बोलने लग रहे थे, कोई बोलने लग रहा था लाइव में कि तेरा बच्चा बड़ा हो के तेरी इज्जत नहीं करेगा, वो कहेगा तीन तीन मर्द करे हैं तेरे करैक्टर, तेरे को करैक्टरलेस बोलेगा, ऐसे बोलेगा ऐसे बोलेगा। मैं तो क्या ही बोल रही थी, अभी स्पीचे के साथ ही मेरा बेटा आ गया रूम में से निकल के बाहर, कहता क्या बोल रहे है, कहता मैं कहता भी मेरी मम्मा को कुछ मत बोलो भी, मेरी मम्मा अच्छी है और मैं खुश हूँ कि मेरी मम्मा ने शादी की है, तो उसने मेरे सपोर्ट में बोला। और लोग बोल रहे थे कि क्यों नहीं जाती, अगर तेरा पति फ्रॉड नहीं है तुझे अपने घर क्यों नहीं लेके जाता ससुराल के, मतलब तो इस तरीके से। तो भी फिर इसने एक्सप्लेन करा कि मेरे पापा मेरी वजह से मुझे नहीं लेके जाते क्योंकि मैं नहीं जाता और वो तो लेके जा रहे थे। उन्होंने अब भी बोला कि खाटू चलेंगे तो जब तक जितनी छुट्टियाँ मैं वहाँ हूँ तुझे भी मैं वहीं रखूँगा, तो तब ये इसने खाना नहीं खाना, उनको पता ही बाहर का कहीं पे खाना नहीं खाता और ये किच किच करता रहा, तो वो कहते चल मैं मिलवा के ले आऊँगा फिर तुम लोगों को, पर चलना ज़रूर है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, पर मेरे बेटे ने कल मेरा साथ दिया, मेरे पति ने कल मेरा साथ दिया, खुद मतलब उनको इतना बुरा लगा ना कि मेरी बीवी को इतना गलत बोल रहा है, तो वो कहते मैं आता हूँ लाइव, चल तू लाइव चला, मैं आता हूँ लाइव में ही आता हूँ मैं, वीडियो बनाने का हमारे पास इतना टाइम नहीं था तो हमने फिर सीधा लाइव ही चला ली और लाइव में ही लोगों को दिखा दिया फेस इनका। तो चलिए गाइस बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री श्याम, जय माता दी। प्लीज़ मेरे दोनों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, दूसरा चैनल है प्रियांश के सपने, ये वाला है इंडियन यूट्यूबर कंचन धवन, तो प्लीज़ दोनों में सपोर्ट कीजिए, थैंक यू।